इस वीडियो में मैं आपको नेटिव लैंग्वेज का कंसेप्ट इजी वे में दूंगी। तो नेटिव लैंग्वेज बेसिकली फर्स्ट लैंग्वेज को भी कहते हैं, इसको हम मदर टंग भी कहते हैं, कि एक बच्चे ने स्टार्ट से बोलना कैसे सीखा है, क्या बोला है, कौन सी लैंग्वेज उसने सीखी है, वो आ जाती है फर्स्ट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज। यानी कि आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या है जो आपने सबसे पहले बोली थी या बोलना सीखी थी। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है क्रिटिकल पीरियड, यानी कि आपने वो लैंग्वेज जो है जो सीखी है या उसका आपको एक्सपोजर मिला है वो विद इन द क्रिटिकल पीरियड मिला है। अब बहुत सी लिंग्विस्ट जो हैं उनका कहना है कि एक पर्सन जो है वो जो लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज बोलना सीखता है तो वो उसके लिए एक ख़ास पीरियड होता है, उसके बाद वो लैंग्वेज एक्वायर्ड नहीं कर सकता, उस तरह से वो नहीं सीख सकता जिस तरह से एक बच्चा जो है वो उस क्रिटिकल पीरियड में रहते हुए सीखता है। अब इसमें एक जॉनसन एंड न्यूपोर्ट ने एक हाइपोथेसिस दिया था, उसमें उनका कहना था कि एक बच्चा जो है वो 13 साल के बाद कुछ नहीं सीख सकता, कुछ का कहना था कि 9 साल के बाद नहीं सीख सकता, कुछ का कहना था कि 7 साल के बाद उसको लैंग्वेज उस तरह से एक्वायर नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंट सबके पॉइंट ऑफ व्यू थे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है कि एक क्रिटिकल पीरियड होता है आपकी लाइफ में जिसके बाद आप लैंग्वेज सीख सकते हैं लेकिन उस तरह से नहीं सीख सकते जिस तरह से एक छोटा बच्चा सीखता है लैंग्वेज को। अब वो बच्चा लैंग्वेज कहाँ से सीखता है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से जैसे कि चॉम्स्की ने कहा है कि उसके अंदर एक लैड होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जो कि मतलब विद इन द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाती है। एक टाइम पीरियड होता है उस लैड का जिसमें वो काम करती है लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। अब कुछ कहते हैं कि बच्चा जो है वो मतलब अपनी सराउंडिंग से सीखता है, उसके साथ जो जो जैसे बोल रहा होता है वो वहीं से वर्ड्स जो है वो एक्वायर कर लेता है। बहुत सी लिंग्विस्ट का कहना है कि मतलब बच्चे को जो सिखाया जाएगा वही सीखेगा। अब ये डिफरेंट कंसेप्ट हैं और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अब इस पर बहुत ज़्यादा थ्योरीज भी बनी हुई हैं, जैसे मेंटलिस्ट थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, चॉम्स्की ने बहुत से कंसेप्ट दिए हुए हैं। तो उसके लिए भी अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। एंड थैंक यू सो मच।